हेलो दोस्तों, चलिए आइए देखिए। आज हम प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 2.3 में दूसरा नंबर का क्वेश्चन, हमको पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट वीडियो में दे दिए हैं। देखिए, कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखते हैं क्या होता है। पहला बहुपद दिया है मेरा t² - 3, क्या है t² - 3, और दूसरा बहुपद दिया है 2t⁴ + 3t⁴ - 2t⁴² - 90 - 12 बार दिया है। देखिए, पहला पद मेरा है कौन सा, t² - 3 डिवाइड करेंगे 2t⁴ + 3t⁴ - 2t² - 90 - 12। ठीक, तो हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि पहले वाले बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक, जब हमारे बहुपद क्या भाग देने के बाद क्या है, शेष 0 आ जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि मेरा क्या है गुणनखंड होगा, अन्यथा यदि शेष बच जाएंगे तो गुणनखंड नहीं होगा। देखिए, तो भाग दे रहे हैं हम, आप देखते जाइएगा क्या होता है। यहाँ दिया है t² - 3, अब यहाँ दिया है 2t⁴ + 3t⁴ - 2t² - 90 - 12 दिया। देखिए, यहाँ 2 दिया है और यहाँ है क्या t² है, तो यहाँ t⁴ लाने के लिए क्या करेंगे, 2t² से गुना करना पड़ेगा, 2t² से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। देखते हैं गुना करते हैं क्या होता है, तो 2² देखिए, t² - 2² तो क्या हो जाएगा 2t⁴ हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं, यहाँ जाएगा 2t⁴, यहाँ प्लस है, ये क्या है प्लस में, अब देखिए माइनस में है, ये क्या है प्लस में, 3 से गुना करेंगे t² तो 3 × 2 = 6, यहाँ क्या है स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले के सामने लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस गुना प्लस क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद देखिए 3 यहाँ दिया है, 3 यहाँ दिया है, 2 3 × 2 = 6 करेंगे, t² कर देंगे। अब देखिए इस दोनों का चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। अब देखिए, ये दोनों सेम कैटेगरी का है, माइनस प्लस कट जाएंगे, उतरेगा क्या 3t³, उसके बाद है देखिए यहाँ प्लस में t² - 2t², तो 6t² में से 2t घट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 4t² - 9t - 12 होता है। देखिए, उसके बाद क्या है, यहाँ 3t² है, तो यहाँ t² है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस प्लस, यहाँ प्लस है प्लस से गुणा करेंगे, प्लस 3t, क्या करेंगे 3t, क्या है कि यहाँ t² पहले से दिया है, यहाँ t से यदि गुना करेंगे t³ हो जाएंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ जगह 3t³, t² - 3t = 3t² t³, उसके बाद देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ठीक माइनस हो जाएगा, यहाँ टी है तो यहाँ देखिए t² है, यहाँ कुछ नहीं, यदि टी यहाँ रहता है, यदि टी रहता तो t² रहता, तो इसके सामने लिखते हैं, सिर्फ टी है तो टी वाले के सामने लिखेंगे, प्लस गुना माइनस क्या लिखेंगे माइनस, 3 × 3 = 3t, 3 × 3 = 9t। अब देखिए इसका चिन्ह चेंज करेंगे, क्या है प्लस है तो इसको माइनस बना देंगे, माइनस है तो प्लस बना देंगे, ये कट गया, ये भी कट गया, उतरा गया
40 स्क्वायर माइनस 12, 40 स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर है तो यहाँ भी टी स्क्वायर है, सिर्फ हम क्या करेंगे फोर से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, फोर से सिर्फ गुना कर देंगे, यहाँ जगह 40 स्क्वायर माइनस गुना प्लस तो माइनस, 4 × 12 माइनस प्लस, ये भी करेगा ये भी, शेष क्या होगा 0। इसको लिख सकते हैं, अतः पहले बहुपद, पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, लिख देंगे। चलिए, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, दिया है x² + 3x + 1, पहला पद दिया है, दूसरा दिया है 3x^4 + 5x^3 - 7x² + 2x + 2। ठीक है, देखिए क्या होता है, पहला बहुपद दिया है क्या x² + 3x + 1। ठीक है, यहाँ 3x^4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। देख क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x^4 है, उसके बाद देखिए यहाँ कुछ सिर्फ x, यहाँ 3 है, 3 है तो यहाँ क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, यहाँ x^4 है, यहाँ x² तो x^4 पूरने के लिए x² से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ x^4 भी पूर रहा है और 3 भी पूर रहा है, इस स्थिति में देखिए क्या करेंगे, 3 × x तो 3x^4, x² × x² पावर जुट जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, x 3x है सिर्फ, यहाँ x³ है, 3 × 9 प्लस गुना प्लस तो क्या आ गया प्लस x 1, यहाँ x सिर्फ, यहाँ x² दिया तो जुट के प्लस x³ हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9x³। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस गुना प्लस प्लस से हो जाएगा x² वाला सामने लिखेंगे, यहाँ 1 × 3x² क्या आ गया 3x², और देखिए चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस कर देंगे, कट गया। यहाँ देखिए क्या होता है, 5x³ में 9x³ घट जाएगा तो क्या जाएगा -4x³। यहाँ देखिए यहाँ 7x² माइनस में माइनस क्या है 3x² है, तो 7 हो गया माइनस, माइनस माइनस ही रहेगा 10x² प्लस 2x + 2। अब देखिए क्या होता है, यहाँ है x², यहाँ x³, यदि हम इसमें माइनस है आगे तो माइनस से गुना करेंगे, यहाँ x², यहाँ x³, तो सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ 4 भी है तो 4x, तब यहाँ क्या है 4x² - 4x³ तो -4x³ + -4
माइनस एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर चारिया बारह एक्स स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस फोर गुना वन तो फोर एक्स चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। देखिए सेम बेस रूल कट गया एक्स इंटू, उसके बाद देखिए यहाँ टू बारह एक्स स्क्वायर में दस एक्स स्क्वायर घट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, यहाँ है क्या चार एक्स, यहाँ टू एक्स, चार दो छ एक्स प्लस दो। अब देखिए क्या होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सिर्फ यहाँ दो का अंतर है, यहाँ देखिए दो नहीं है, यहाँ क्या है दो है, दो पुराने के लिए यहाँ क्या करेंगे दो से गुना करेंगे प्लस टू से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ टू एक्स स्क्वायर क्या हुआ टू एक्स स्क्वायर प्लस गुना प्लस से देखिए यहाँ थ्री एक्स गुना टू तो तीन गुना छ एक्स प्लस टू गुना वन तो टू, देखिए सबका चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस 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 सब कट गया, कट गया क्या जीरो, क्या गया जीरो, ये हो गया क्या शेष फल, शेष फल क्या हो गया शेष फल लिखेंगे अतः अतः पहले बहुपद तथा पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड, गुणनखंड है, ठीक है ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। मेरे साथ आप जुड़ा रहिए, जहाँ तक होगा हम आपके साथ मेहनत करेंगे, ठीक है, यदि हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, शेयर दोस्तों को भेजें ताकि आपको भी फायदा हो आपके दोस्त को भी फायदा हो। क्वेश्चन चलिए देखिए एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, उसके बाद दिया है दूसरे बहुपद भी दिया है एक्स का पावर फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, यही दिया, इसको हम लिख सकते हैं क्या एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, या एक्स का पावर फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्स का पावर फाइव है एक्स का पावर थ्री है एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, कहें कह सकते हैं कि पावर क्या होता है गुना में जुटता है, इसीलिए हम एक्स का पावर फाइव लिख देंगे, ठीक है एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब एक्स का पावर फाइव आसानी से लिख सकते हैं, प्लस गुना माइनस टू माइनस, देखिए एक्स एक यहाँ एक्स है यहाँ क्या दो टू एक्स है जुटने के बाद क्या होता है थ्री एक्स, देखिए थ्री एक्स वाले के सामने लिखेंगे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस प्लस क्या है माइनस, यहाँ देखिए थ्री तो है तो थ्री भी दे देंगे एक्स एक्स तो यहाँ दो एक्स यहाँ एक एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, कह सकते क्या जुट जाता है। अब देखिए क्या होता है प्लस गुना प्लस तो प्लस दे देंगे, हाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला तो एक्स स्क्वायर वाला सामने लिखेंगे, यहाँ का है कि एक्स नहीं है तो वहाँ एक्स स्क्वायर है तो कह सकते हैं कि सिर्फ क्या होगा एक में जुटेगा एक्स तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, चलिए इस स्थिति में क्या होता है यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब देखिए डिवाइड कीजिए माइनस प्लस माइनस यह कट गया ये भी कट गया, अब यहाँ देखिए क्या होता है प्लस में होता है माइनस में तो माइनस क्या होता है एक्स क्यू, क्या कि छोटका अंक से बड़का घटेगा तो माइनस में तो जरूर है कि माइनस में आएगा, चलिए इसको उतार देते हैं प्लस थ्री एक्स प्लस वन, अब डिवाइड करते हैं किससे करेंगे क्या कि यहाँ एक्स क्यू है क्या एक्स क्यू सिर्फ माइनस वन से गुना कर देंगे तो सॉरी माइनस वन से गुना कर देंगे तो हो सकता है तो माइनस एक्स क्यूब, ठीक है माइनस थ्री एक्स तो थ्री एक्स प्लस
प्लस माइनस माइनस है। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, सॉरी प्लस हो जाएगा, उसके बाद माइनस गुना प्लस माइनस एक गुना एक, एक ही रह जाएगा। देखिए अब देखिए इसका चेंज किए प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, कट गया ये भी कट गया, लेकिन यहाँ क्या एक प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, तो एक एक कितना हो दो, ठीक है। वहाँ शेष बच रहा है, क्या होता है शेष, शेष फल, शेष फल हमारा बच रहा है, इसके लिए लिखेंगे आता आता पहले पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणन खंड नहीं होगा, ठीक है। इतना तक ही आज हम वीडियो रखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि हमारा किसी भी तरह का त्रुटि होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ताकि हम आपके आगे फर्स्ट बार ही आ रहे हैं, जो कि थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकता है, यदि कोई तरह का त्रुटि होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, ओके दोस्तों, बाय।